नमस्कार, आपका स्वागत है व्हाट एन एबी के हिंदी रिकैप में। मैं स्मृति आज आपको 22 जुलाई को हमने जो ट्रेड लिए हैं उसके बारे में बताना चाहूंगी। आप जैसे देख सकते हैं कि हमारा एक्सेल खुला हुआ है और हम इस पे एक डेट का फिल्टर डाल लेते हैं जिससे हम सिर्फ आज के ट्रेड्स देख पाएंगे। तो ये हमने 22 जुलाई के ट्रेड्स को सेलेक्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ये वो सारे ट्रेड्स हैं जिन्हें हमने आज बंद किया है। तो ये सबसे पहला है निफ्टी के जुलाई एक्सपायरी का 16,000 का पुट है। ये एक लॉन्ग पोजीशन है और इसकी दो क्वांटिटीज हमारे पास है। इस ट्रेड को हमने बंद किया है जिसपे हमें तकरीबन 500 रुपए का नुकसान हुआ है। और इसी के साथ का ट्रेड था जो इस पुट स्प्रेड का था, वो निफ्टी का ट्रेड है जुलाई एक्सपायरी का, 16,600 का पुट है जो कि एक शॉर्ट पोजीशन है। इसकी भी दो क्वांटिटीज हमारे पास है और इस पे हमें 4,130 रुपए का मुनाफा हुआ है। हमने अपने बैंक निफ्टी के अगस्त एक्सपायरी के 36,000 का लॉन्ग कॉल, उसे भी आज बंद किया है और उसे उस पर हमें तकरीबन 705 रुपए का मुनाफा हुआ है। उसके अलावा हमने बैंक निफ्टी का 35,000 का पुट जो कि शॉर्ट था उसे भी बंद किया है और उसपे तकरीबन हमें 640 रुपए का मुनाफा हुआ है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं आज का दिन हमारा काफी अच्छा रहा और हमारा मुनाफा तकरीबन 5,500 का दिखा रहा है। ये 5,483 रुपए दिखा रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमने आज नए ट्रेड्स भी स्टार्ट किए हैं, कुछ नए ट्रेड्स लिए हैं तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। तो ये हमारे वो ट्रेड्स हैं जिन्हें हमने आज दोबारा से लिए हैं, मतलब ये ट्रेड्स हमने आज स्टार्ट किया है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, हमने बैंक निफ्टी का एक पुट स्प्रेड किया है जो कि 36,600 का है। इसकी दो क्वांटिटीज हमने की है और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पुट स्प्रेड है 35,500 का। इसकी भी दो क्वांटिटीज है, ये लॉन्ग है और जो इसका शॉर्ट लेग है वो 36,600 का है। हमने निफ्टी का भी एक कॉल स्प्रेड लिया है जो कि 16,800 का कॉल स्प्रेड है, ये शॉर्ट लेग है और इसका लॉन्ग लेग है वो है 17,300 का कॉल, जो कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये पहले से था, ये बैंक निफ्टी के 37,000 का कॉल जो कि हम पहले से कैरी कर रहे हैं, इसे हमने रखा है। हमने कल कोटक अल्फा अपने ETFs की 152 क्वांटिटी बेची थी ताकि हम मार्जिन मैनेज कर सके, तो उसे हमने वापस आज खरीद लिया है ताकि हमारा पोर्टफोलियो फिर से बैलेंस हो जाए। तो आज के लिए हमारे पास सिर्फ इतने ही ट्रेड्स हैं, इन्हीं को लेकर अब हम अगले हफ्ते सोमवार को आगे बढ़ेंगे। तो अगले हफ्ते सोमवार को हम वापस मिलेंगे हिंदी के रिकैप में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।